जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिडनाइट आर्मी लवर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो कि जिला स्तर पर अलवर में आयोजित हो रहे थे, उसकी जितनी वीडियो मैं शूट कर चुका था सभी मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक लास्ट एंड फाइनल वीडियो मेरे पास बचा हुआ था जो कि महिला वर्ग में कबड्डी का फाइनल मैच था। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाई उस वीडियो को अपलोड करो। तो यार दोस्तों, आपको बता दो, एक साथ सभी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता, कुछ यूट्यूब के भी रूल रेगुलेशन है और कुछ दोस्तों मेरी भी कंडीशंस होती है। सो दोस्तों, अब आपके सामने लेकर आया हूँ मैं बांसुर वर्सेस मुंडावर महिला वर्ग कबड्डी का फाइनल मैच। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस जगह ये मैच होने वाला है, पूरी तैयारी हो चुकी है। जिसका इंतज़ार था दोस्तों, हमें इंतज़ार था हमारी CS राजस्थान की, जो CS है चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव, उनका इंतज़ार था। और आज का दिन 1 अक्टूबर 2022 शाम के 4:30 बजे हुए हैं। तो दोस्तों, मुख्य जो सचिव है हमारे चीफ गेस्ट, वो भी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं उधर पुलिस का जो सामने जो झुंड है वो चल रहा है, उसी के साथ हमारी मैम है और ये सामने दर्शक खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मैच कब स्टार्ट होगा। मैच स्टार्ट होने से पहले मैंने मुंडावर टीम का थोड़ा सा इंट्रो लिया था। दोस्तों, मुंडावर की टीम में जाकर मुझे पता चला कि वहाँ पे तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसी वजह से उन्होंने तिजारा की जो महिला वर्ग की टीम थी, 38 ईयर्स 35 ईयर्स बड़े बड़े जो उनकी तुलना में लगभग डबल वज़न की थी, डबल वेट की, तो दोस्तों उनको भी बाहर कर दिया था मैच से, क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन किया था। पता चला मुझे दोस्तों कि वो लड़कियाँ जो मुंडावर टीम की थी, इनमें से 5 लड़कियां नेशनल प्लेयर खेल चुकी है। मुझे कंफर्म पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो माइक था वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए इस वजह से मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो उन्होंने बताया था उनमें सभी लड़कियां स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोस्तों खेली हुई है। ये दोस्तों टीम ट्रैक पर उतर चुकी है और अभी मैच स्टार्ट होने वाला है आपके सामने। तो अभी हमारे सामने मैम आ चुकी है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारे राजस्थान की CS मैम यानी कि मुख्य सचिव आज खिलाड़ियों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रही है कि आप अच्छा खेलें। तो दोस्तों, इधर जो टीम खड़ी है ये है बांसुर की टीम और दूसरी तरफ टीम खड़ी है वो है मुंडावर की टीम। यहाँ पे सभी कोचगण खड़े हुए हैं, जितने भी रेफरी हैं सब खड़े हुए हैं अपने अपने ड्रेस में और दोनों तरफ टीम खड़ी हुई है। तो मैच शुरू होता है दोस्तों, चलिए हम सीधा मैच की तरफ बढ़ते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए।
नहीं भाई साहब रिकॉर्डिंग हो रही है। ये जोड़िया की टीम है अपकमिंग, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ये जीतेगी भाई। जीतो भाई जिंदाबाद। मैं बोल रहा था 20 को या 20 तो पता ही ना है, पता होना चाहिए। ये बिछाला की साझा थी
अरिजीत से ला रहे हैं। टाइमिंग
टाइम कितना हुआ है? 45 मिनट। यार सो दोस्तों, हाफ टाइम उनका पूरा हुआ। अभी तक जो बांसू के पॉइंट हैं वो 5 हैं और मुंडावर के जो पॉइंट हैं वो 28 पॉइंट है। 223 पॉइंट का डिफरेंस है और अब देख रहे ये है क्या बांसू इन पॉइंट को कंप्लीट कर पाएगी, क्या इस जो लीड है दी हुई इस लीड को पूरा कर पाएगी, ये तो दोस्तों आगे मैच में पता चलेगा। तो मैच में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए क्योंकि अभी जो मैच है वो अपना रूप चेंज कर सकता है, क्योंकि कबड्डी का कोई पता नहीं होता कब खेल पलट जाए। सो हाफ टाइम आपने देखा, बाकी हाफ टाइम फिर से देखिए। तो चलिए बढ़ते आगे।
Thank you.
लग रहा है वहाँ मैडम। रेफरी का फाइनल इशारा दोस्तों, समय पूरा हो चुका है और दोस्तों मुन्नावर टीम यही रही। मुन्नावर टीम के 46 पॉइंट है जबकि बाणसूर के ओनली 13 पॉइंट है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों और ये बाणसूर कवर नहीं कर पाई और आज फाइनल में विजयी रही मुन्नावर की टीम। ये दोस्तों गुस्सा है बहुत ज़्यादा खिलाड़ी बाणसूर की जा रही है, यहाँ से हाथ भी नहीं मिलाए ढंग से, हैंडशेक नहीं किया। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था आपको जो इसकी बैकग्राउंड की वॉइस है वो दोस्तों इसकी ओरिजिनल वॉइस नहीं है क्योंकि वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी, माइक काम नहीं कर रहा था। सो दोस्तों फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।